हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप लोग के लिए एक बेहतरीन गुड न्यूज़ मैं लेके आया हूँ कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स न्यू सिलेबस की फुल लेक्चर सीरीज़। इसमें मैं आपके रिवीजन भी कम्युनिटिव करवाता रहूँगा, रिवीजन ऑडियो भी साथ के साथ देता रहूँगा, क्वेश्चंस भी साथ के साथ हम सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग जो भी स्टडी मेट चाहती है, जो आई सी चाहती है, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। लास्ट टाइम 5 साल पहले, अराउंड 5 ईयर पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी और बहुत सारे बच्चों का फैबुलस रिजल्ट आया था। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर, आपने 2019-18 में फ्री लेक्चर्स कराए थे, आप अब क्यों नहीं करवाते। तो मेरे दिल को एक बात लगी, यार इंसान जब ऊपर उठता है ना तो वो अपने साथ वालों को भूल जाता है, उसको सिर्फ फिर मैं याद रह जाता है, हम याद नहीं रह जाता। तो कुछ बच्चों के मैसेज से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अपने लिए बहुत कुछ हम लोग करते हैं बट दूसरों के लिए करना भूल जाते हैं। हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान एक बार बस हेल्प कर दे, एक बार उठा दे, उसके बाद मैं सबकी बहुत हेल्प करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, सिर्फ मैं रह जाता है, हम नहीं। तो मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई और मैंने कहा नहीं, डेफिनेटली वी विल स्टार्ट DT सीरीज़। मैंने वोटिंग कराई ग्रुप वन का, टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो सबका वोटिंग आया कि सर DT स्टार्ट करो, DT इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर अस। मैंने वोटिंग कराई टेलीग्राम ग्रुप में और सबसे हाईएस्ट जो पासिंग परसेंटेज इसमें निकल के आ रहे हैं वो DT के लिए आ रहे हैं कि सर DT स्टार्ट करवाओ। मैंने कहा ओके सर, फास्ट ट्रैक कराऊं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराऊं या फिर फुल कोर्स करवाऊं। तो फास्ट ट्रैक के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, ये बताने के लिए दुनिया को कि हाँ मैंने सिलेबस किया है, या फिर ये दिखाने के लिए कि हाँ हाँ हमने 5 दिन के अंदर पूरा सिलेबस किया है, या फिर इसलिए कि रिजल्ट डे पे आप ये कह सको कि आई विल स्कोर 60+, 70+, 80+ बाय दिस सीरीज। देखो यार, पढ़ना बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ तो हर कोई रहा है, हर बच्चे ने पेड क्लासेस ली होगी या फिर यूट्यूब से देखा होगा, ये सेल्फ स्टडी की सबने पढ़ाई की है, बट पढ़ने का मतलब तब तक वर्थ नहीं है जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर ना हो, तुम्हारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तो मैंने भगवान से पूछा कि भगवान मैं इनके लिए क्या करूँ। भगवान ने कहा कि यार, जैसे तुम भगवान को भोग लगाते हो उस तरीके से लेक्चर बनाओ, ये सोच के कि फास्ट ट्रैक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फुल ट्रैक है, नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर ये लेक्चर मैं अपने भगवान को पढ़ा रहा होता तो कैसे करा रहा होता। तो मैं उतने ही प्यार से, उतनी ही ऑनेस्टी, उसी बिलीव के साथ इस सीरीज़ को स्टार्ट करना चाहता हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे 100% आपकी साइड से चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ढंग से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में लिखो सर आई एम विथ यू। मैं लिटली ये चाहता हूँ कि ये सीरीज़ 100% कंप्लीट हो, क्योंकि कई बार मैंने कोशिश की कि मैं फ्री सीरीज़ स्टार्ट करूँ, लेकिन सपोर्ट कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, फिर मैं बीच में स्टॉप कर देता हूँ। लेकिन इस बार मैं अपने खुदा से, अपने वाहेगुरु से, अपने रब से, अपने भगवान से प्रॉमिस और कमिटमेंट चाहता हूँ, मैं उनके साथ कर रहा हूँ। आप लोग का मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो यार, बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं, अच्छे वक्त में हर कोई साथ होता है। तुम लोग एग्ज़ाम जब आएगा ना, जैसे नज़दीक लेक्चर देखने लग जाओगे, जब तुम फेल हो जाओगे ना, तुम एक ही दिन में पूरे लेक्चर्स देख डालोगे। तो मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला, मैं अपने हिसाब से चलूंगा कि भाई मेरा कमिटमेंट मेरे भगवान के साथ, आप सभी के अंदर बैठे हुए उस भगवान को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है कि भाई मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आपके अंदर बैठे हुए उस भगवान के लिए कर रहा हूँ। मुझे उसको सब कुछ देना है, मुझे उसे सब कुछ देना है, बेस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस उसको डिलीवर कर रहे हैं, बेस्ट वैल्यूएबल नॉलेज उसको डिलीवर करनी है, बेस्ट नॉलेज इस वे में देना है कि दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आए तुम उसे फोड़ के आओ, वो नॉलेज मुझे तुम्हें शेयर करनी है। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले तुम्हारे चेहरे पे स्माइल हो कि सर क्या पढ़ाया था आपने, हर एक चीज़ एग्ज़ाम में रिकॉल आई, दैट्स आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम योर साइट। तो मैं उस वे में पढ़ाना चाहता हूँ आपके अंदर बैठे उस भगवान के लिए, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट नहीं चाहता, फुल डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यार, इसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं है, मैंने जो प्लान किया है, अगर मैं सबसे डिले अगर कराऊंगा तो मान के चलिए 4 लेक्चर्स अराउंड पर वीक आपको मिलने चाहिए। अराउंड कितने मिनट का लेक्चर रहेगा? 90 मिनट्स से 100 मिनट्स तक का एक लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं सबसे डिले कराऊंगा तो सबसे कम, वैसे मेरी साइड से ये है कि मैं 7 में से 7 दिन करूं, क्योंकि मैंने लाइफ में एक ही चीज़ सीखा कि अगर आप अपने स्टूडेंट को बेस्ट बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप बेस्ट बनो, कंसिस्टेंट बनो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। जब मैं 7 दिन 6 दिन काम करके नहीं दे सकता, मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि रोज़ तुम पढ़ो। तो सबसे बेकार अगर मैं लेक्चर्स तुम्हें प्रोवाइड करूँगा तो 4 लेक्चर्स पर वीक आपको मिलेंगे। सर कितने बजे मिलेंगे? सर 9 PM आपको अपलोड मिलेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सर चैनल का नाम सी ड्रीमर्स दी एवेंजर, ये हमारी वेबसाइट भी है, वैसे इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है, सी ड्रीमर्स दी एवेंजर ये हमारा चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको लेक्चर्स अपलोड मिलेंगे 9 PM
एवरीडे फ्रॉम ट्यूसडे, मंडे, आज ये लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपको ट्यूसडे से, ठीक है, आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करूंगा रेगुलर हो, बट मिनिमम, जैसे कई बार मैं बालाजी चला जाता हूँ, कई बार भाई को फैमिली फंक्शन होते हैं, कोई दिक्कत है, तो 4 लेक्चर पर वीक आपको मिलने वाले हैं। सर कितने लेक्चर्स आएंगे? सर हाउ मैनी लेक्चर्स? तो देखो यार, मैंने प्लान किया, तो अगर हम 100 आवर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि हमारा सिलेबस मान लो 100 आवर्स का है और हम एक लेक्चर जो दे रहे हैं 100 मिनट्स का है, नाउ यू विल काउंट कि कितना टाइम लगना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट मान के चलो कि 50 to 70 लेक्चर्स मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, 50 to 70 लेक्चर्स मल्टीप्लाई में अराउंड 90 मिनट्स to 100 मिनट्स, ठीक है, 90 मिनट्स यानी 90 मिनट्स to 100 मिनट्स का एक लेक्चर होगा, 50 to 70 लेक्चर्स में आपको दे रहा हूँ। सर 50 to 70 लेक्चर्स में हो जाएगा? कुछ टीचर्स तो 4-4 घंटे पढ़ाते हैं, 60-60 लेक्चर पढ़ाते हैं। भाई देखो, सबका अपना अस्तित्व है, सब अपने रूप में अपने भगवान है। किसी भगवान को आप एक लोटा जल चढ़ा देते हो वो खुश हो जाता है, किसी को भाई लड्डू चढ़ाने पड़ते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, तो सबका अपना स्टाइल बेस्ट है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आपको सबसे बेस्ट हूँ, तो मेरी स्टाइल में मैं आपको सबसे बेस्ट सबसे कम टाइम में वो देख करके दूंगा। एक तो फुल लेक्चर्स में आपको कराऊंगा, प्लस क्वेश्चन भी जितने स्टडी मैट के हैं, प्लस वो क्वेश्चन जो स्टडी मैट में नहीं है वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेटेस्ट RTP और MTP से भी रूबरू, यानी शो करूंगा कि भाई ये देखो सब कुछ तुम्हें आता है। प्लस मैं आपको हाथों हाथ जैसे जैसे लेक्चर चलेगा उसके रिवीजन ऑडियो आपको देता जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जॉब में होंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा पढ़ने का, तो उनके लिए ऑडियो भी दूंगा कि भाई लेक्चर्स देख लिया, अब ऑडियो सुनो, जहां भी तुम्हें लग रहा है याद नहीं आ रहा ऑडियो प्ले करो, आपका प्ले हो जाएगा, ठीक है, नो इशू। देन इसके साथ हम बनाएंगे क्लास नोट, फुल सिलेबस के हम बनाएंगे क्लास नोट्स, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आने वाला है मैं सबका क्लास नोट्स लेके चलूंगा और बताता हुआ चलूंगा यहाँ MCQ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चंस मैं अपनी बुक में से कराऊंगा, अगर आप मेरी बुक नहीं लेना चाहेंगे कोई बात नहीं, स्टडी मैट से करना। क्लास नोट्स हम क्लास में साथ साथ बनाते रहेंगे। अब जैसे कुछ लोग, जैसे मैंने ना बुक पहले से ही टाइप करके रखी हुई अपनी, मैं पूरा इसी में से पढ़ाना चाहता हूँ। अब जैसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में कराऊंगा वो यही होगा कि सर टैक्स का मीनिंग क्या है बताइए। तो जो लोग, जिनके पास, जितने भी स्टूडेंट्स के पास टाइम है, ठीक है, टाइम है, मैं सच बोल रहा हूँ टाइम है, तो क्लास नोट्स बनाओ, टाइम नहीं है तो बुक बाय करना। उसमें से सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के मैंने डाल रखे हैं। MCQ क्वेश्चन लेक्चर वाइज मैं लेता हुआ चलूंगा, जहां मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मैं MCQ फॉर्म में क्लास में ही डिस्कस करते हुए चलूंगा। बताओ दिस इज योर MCQ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बताइए तुम्हारा जवाब क्या होने वाला है। एवरीथिंग आई विल डिस्कस अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, ठीक है, और क्लास नोट्स हम बनाते हुए चलेंगे। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेक्चर्स देखो, क्लास नोट्स बनाएंगे, एक 400 से 500 पेज का रजिस्टर ले लेना, वो पूरा भरवा दूंगा मैं, और रिवीजन के लिए साथ के साथ एवरी लेक्चर में हम पूरा जितना भी पढ़ा है रिवाइज करेंगे, उसको ऑडियो क्लिप से बनाएंगे और मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको शेयर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। एवरीथिंग मैं डिस्कस करूँगा, जो भी चैप्टर वाइज हमारा डिस्कशन होगा उस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका क्वेश्चन पेपर भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से करना। और उसके बाद जब वो चैप्टर, सेकंड चैप्टर खत्म होगा तो फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको आंसर शीट भी दे दूंगा कि भाई देखो इस तरीके से लिखना था, IJ का ये सजेस्टेड आंसर था, जो भी मेरी तरफ से हो सकता है। मैंने आपसे एक बात कही कि जो अपने भगवान को श्रद्धा के रूप में चढ़ा सकते हैं, मैं वो सब कोशिश करूंगा कि मैं अपने भगवान को कैसे प्रसन्न करूँ, तो मेरे साइड से आपके अंदर बैठे उस भगवान को मेरा प्रणाम है कि मैं अपना बेस्ट लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ना आपको टेंशन हो, ना आपको थकान हो, चेहरे पे स्माइल हो और आप बोलोगे अरे यार ये भी होता था, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा इस वजह से शायद मैं फेल हो गया था लास्ट टाइम। तो मैं इसको एकदम ऐसे ही लेके चलूंगा कि दिस इज़ पेड सीरीज़ और मैंने आपसे 10 लाख रुपये ले रखे हैं इसको पढ़ाने के लिए, तो मैं उस फुल सीरियसनेस के साथ आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ट्यूसडे से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं 9 PM, ठीक है, 9 PM स्टार्ट होंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होंगे कि सर अब मैंने आपको पहले ही बता दिया 60 to 70 लेक्चर्स लेके चलेगा, ठीक है, जितना फास्ट हो सकेगा डेफिनेटली आई विल डू, कम से कम एक लेक्चर कोशिश करूंगा, कम से कम भी आए तो 4 लेक्चर्स इन अ वीक आएंगे। सर CS वाले स्टूडेंट ये लेक्चर्स दे सकते हैं 100%, क्या CMA वाले स्टूडेंट दे सकते हैं 100%, क्या CA वाले देखेंगे 100%। न्यू सिलेबस का कोर्स फुल्ली मैं डिस्कस करके देने वाला हूँ, हर एक चीज़ हाथ से लिखेंगे, हर एक चीज़ क्लास में मैं रिवाइज करके ऑडियो देता रहूँगा, आप ऑडियो के साथ साथ अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, जहाँ जो दिक्कत आएगी वो। और कोई डाउट दिक्कत रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं सर 93547, ये दोबारा से लिखना सर 93547194044, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी अदर क्वेरी हो तो टाइप करके भेज देना कि सर मैंने आपको वीडियो देखा था उसके थ्रू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ,
तो इस वीडियो में मैं पढ़ाना इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसी सीरीज से रिलेटेड हज़ारों क्वेश्चन बच्चों के आते रहेंगे और मैं बार बार हर बच्चे को सारे रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारे डाउट्स यहाँ पे कवर अप कर ले रहा हूँ। क्या तुम्हें एक बाय बुक बाय करनी कंपलसरी है? नहीं, स्टडी मैट है तो कंपलसरी नहीं है। 90% क्वेश्चन स्टडी मैट से मिलेंगे, 10% वो होंगे जो स्टडी मैट में छुपा रखे हैं, उन्होंने नहीं बताया, वो मैं अपनी बुक से डिस्कस करूँगा, ठीक है। प्लस हम क्लास नोट्स बनाएंगे, 400 to 500 pages का रजिस्टर तुमको मेंटेन करना है। थर्ड थिंग, MCQ वगैरह जहाँ जो क्वेश्चन बनता है मैं साथ में लिखवाता चलूंगा, ये MCQ में आता है। उसके बाद कोई स्पेशल MCQ है मैं क्लास में डिस्कस करता हुआ चलूंगा, रिवीजन ऑडियो साथ में देता हुआ चलूंगा। और क्या 100% आप फ्री कराएंगे? यस सर। सिलेबस कब तक काउंट होगा? आप अपकमिंग जो हमारा ट्यूजडे आ रहा है या फिर यानी कल, कल से मंगलवार, हनुमान जी का भक्त, ठीक है, जय श्री राम जय हनुमान, मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। 60 to 70 lectures तुम काउंट कर लो कब तक जाते हैं, कल से उस डेट तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने सारे डाउट्स कवर अप कर लिए। एक बार दिल से IMCA फाइनलिस्ट, IIM चैंपियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। आपको लगेगा अरे यार इसको अच्छा पढ़ाना नहीं होता, अपना प्रमोशन के लिए पढ़ा रहा होगा। लिटली आई शो यू समथिंग, मैंने अब तक पता नहीं कितनी बार टेक्स्ट जो है रिकॉर्ड करके डाल दिया होगा, तो मेरे पास इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फोल्डर दिख नहीं रहा, ओके, तो मेरे पास इसकी लिस्ट बहुत लंबी है पहले से। बहुत बार मैंने ट्राई किया है और बहुत बार मैंने पढ़ाया है, तकरीबन 4-5 बार अच्छी रिकॉर्डिंग कर रखी है। अभी भी मेरे पास 100 GB का डाटा DT का पहले से रिकॉर्ड है जो मैं अपने बच्चों को करवाता हूँ। तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि मुझे प्रमोशन मिले, मैं इसलिए ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मैं आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स के लिए और अपने लिए कुछ कर पाऊँ। पता है आपने कितने पैसे कमाए दुनिया याद नहीं रखती। कहते हैं जब इंसान मरता है ना, पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग दिस बैच वो बता रहा हूँ, जब इंसान मरता है ना तो आपके जाने के बाद कितने लोगों की आंखों में आंसू आया, ये बताता है कि आपकी नेटवर्थ रियल में क्या है। तो पैसे कमाना सब कुछ नहीं होता, इज्जत कमाना, नाम बनाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो दिस बैच 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। हाँ, जिनके पास टाइम की कमी है वो बुक बाय कर लेना, जिनके पास टाइम की कमी नहीं है वो मेरे साथ क्लास नोट्स बनाना, ठीक है। मंगलवार ट्यूसडे 9 PM आपके लेक्चर अपलोड हो जाए करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए करेगा। और भी कोई क्वेरीज हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, अपना ख्याल रखिएगा। और ये लेक्चर फुल डेडिकेशन के साथ बनाने जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, जितनी भी नॉलेज है, हर एक चीज़ हम हाथ से लिखेंगे, ढंग से करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि टैक्स में आपको कोई टक्कर ना दे पाए। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट माय लविंग चैंपियंस, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।